बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 9 एंड 9 क्लास का ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आज मैंने इसका लेक्चर नंबर 6 करवाना है। आज की वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो इसकी एक्सरसाइज है, यूनिट नंबर 9 की, और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में मैंने सारी करवाने हैं। ये 9th क्लास का फ़िज़िक्स का ये मेरा आखिरी लेक्चर है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो इंशाल्लाह मैं 10th क्लास मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है फ़िज़िक्स, तो मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ मैंने जो है वो केमिस्ट्री भी स्टार्ट की हुई है 10th क्लास की, इंशाल्लाह उसको भी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला बेसिकली न्यूमेरिकल है 9.1, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं द कंक्रीट रूफ़ ऑफ ए हाउस थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। अब वो आपको कह रहा है कि एक घर है, उसकी जो रूफ़ है, उसकी जो छत है, जो उसका हमने लेंटर डाला हुआ है, वो 20 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और वो पूरे जो उस घर का जो एरिया है लेंटर का वो कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक घर है, घर का जो टोटल एरिया है उस लेंटर का वो कितना है, 200 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये वो आपको बता रहा है। फिर वो कह रहा है द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री। आपको कह रहा है कि घर के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री और आउटसाइड इज़ 35 डिग्री, मतलब जो घर के बाहर टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री। अब वो कह रहे हैं फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ़। अब होना क्या है, आपको पता है कि जो हीट है वो बाहर ज़्यादा है और घर के अंदर हीट जो है वो कम है। अब हीट ने हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करना, मतलब घर के बाहर से हीट ने घर के अंदर ट्रांसफ़र होना है थ्रू वो कंक्रीट जो रूफ़ है उसके। अब वो क्या कह रहा है कि कितने रेट से वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी घर के अंदर, और उसने आपको के की वैल्यू दे दी है कि होता है जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू उसने आपको दिया हुआ है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन उसने आपको जो है वो दे दिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने इसका गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा में सबसे पहले उसने आपको लेंथ दी हुई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.20 मीटर आता है। आपने सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। फिर आपके पास जो एरिया है वो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अभी जो हमारे पास T2 यहाँ पर आएगा, अच्छा आपने याद रखना है जो T2 होगा आपका वो आपने स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो 15 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास 288 आता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक T2 जो होगा वो लेस होगा कम्पेयर टू T1 के, और इसको केल्विन में भी आपने कन्वर्ट करना है। T2 क्यों लेस होगा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। T1 जो होगा हमारा वो कितना होगा, 35 में 273 ऐड करेंगे तो 308 केल्विन आता है। फिर K उसने आपको ऑलरेडी दिया है 0.65। इसके अलावा आपने रेट जो है वो फाइंड करना है, जिस रेट से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होगी बाहर से अंदर। अच्छा, अभी मेरा जो लेक्चर नंबर 1 था इसी यूनिट का, जिसके अंदर मैंने कंडक्शन पढ़ाया था, वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का एक जो है वो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था। उसमें क्या था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू हमारे पास था के और मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई T1-2 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फार्मूला में T1-T2 जो है वो आर है, तो इसका मतलब क्या है कि T1 हमारे पास क्या होगा, जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो होगा -T2। अच्छा याद रखिएगा कि आप अगर यहाँ पे T2 वाला लिखते, मतलब अगर आप यहाँ पे लेस वाला लिख देंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो T1 जो होगा वो बड़ा टेम्परेचर होगा और जो T2 होगा हमारे पास वो लेस टेम्परेचर होगा। इसके अलावा हमने अब सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे कि एक की जगह आप 0.65 पुट करेंगे, एक की जगह में 200 और T1 हमारे पास है 308, T2 है हमारे पास 288 और एल है हमारे पास 0.20। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 130 ब्रैकेट के अंदर 20 डिवाइडेड बाय 0.20। ये 130 कैसे आया, ये 200 को मैंने 0.65 से मल्टीप्लाई किया, इस 65 ने इधर ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.65 करूँगा तो 130 आता है, 308-288 करूँगा तो 20 आता है। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर डायरेक्ट भी करते हैं, मतलब केल्विन में कन्वर्ट नहीं भी करते, तो आपका आंसर यही आएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में, एक जो आप उसको मार्क्स गेन करने के लिए आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें। अच्छा, तो अभी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 13,000 जोल पर सेकंड, और ये इसका क्या है आंसर है। ये कैसे आया, 13,000 130 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 0.20 करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास 13,000 आंसर जो है वो आएगा। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, मतलब पर सेकंड 13,000 जो जोल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है बाहर से अंदर।
नेक्स्ट चलिए हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन 9.2 उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच हीट इज लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज 25 डिग्री एंड दैट आउटसाइड इज 5 डिग्री द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। अच्छा अभी देखिए उसने आपसे क्या पूछा है। बेसिकली उसने आपसे हीट लॉस पूछा है एक घंटे के अंदर। क्वेश्चन आपने दोबारा सुनना है। उसने आपसे हीट लॉस पूछा है एक घंटे के अंदर। क्यों हीट लॉस होना है? क्योंकि यहाँ पे देखें उसने सबसे पहले आपको एक विंडो दे दी है, ग्लास विंडो दी, मतलब आपकी खिड़की जो है वो ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है, और उसकी उसने आपको एरिया दे दिया, उसका आपको साइज़ दे दिया, वो कितना है 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। मतलब एक हमारे पास हमारी खिड़की है, ग्लास की बनी हुई विंडो है, उसका जो मेजरमेंट है वो 2 मीटर बाई 2.5 मीटर है, ये उसका एरिया आ गया। फिर उसने बोला है आपको कि इनसाइड टेम्परेचर 25 डिग्री है और आउटसाइड टेम्परेचर 5 डिग्री है। इसका मतलब है टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है? टेम्परेचर इनसाइड ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ने क्या होना है? टेम्परेचर ने बाहर जाना है, टेम्परेचर ने कमरे से बाहर मूव करना है, क्योंकि कमरे के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर टेम्परेचर कम है। हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर मूव होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखना है। इसलिए एनर्जी हमारी क्या होगी, हीट क्या होगी? लॉस होगी। अब हीट तो लॉस होगी, उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कितनी हीट लॉस होगी, उसने आपसे पूछा है कि एक घंटे के अंदर कितनी हीट लॉस होगी। क्लियर? उसका पॉइंट आपने याद रखना है कि एक घंटे के अंदर उसने पूछा आपसे कितनी हीट लॉस होगी। फिर उसने आपको वो जो हमारी खिड़की है, जो हमारी विंडो है, उसका ग्लास जो है उसकी उसने आपको थिकनेस बता दी है, वो है 0.8 सेंटीमीटर। ये उसने आपको लेंथ बता दी है, के भी उसने आपको बता दिया। निकाल लेते हैं, बड़ा आसान से, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो एल उसने सबसे पहले गिवन है वो है 0.8 सेंटीमीटर। इसको जो है हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो आएगा 0.008, क्योंकि 0.8 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.008 मीटर जो है वो आता है। इसके बाद आ जाएं दूसरी चीज़, एरिया। एरिया आपने खुद निकालना है। उसने 2 मीटर बाई 2.5 मीटर आपको दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता है एरिया निकालने का। तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर करूँगा तो मेरे पास आता है 5, तो 5 मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ गया। इसके अलावा जो T1 है हमारे पास, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने वो क्या लेना है, बड़ा लेना है, और जो T2 होगा आपने छोटा लेना है, बाहर हो अंदर हो व्हाटएवर, ठीक है। T1 आपने बड़ा लेना है और T2 आपने छोटा लेना है। तो T1 मेरे पास है 25, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 298 आता है केल्विन। फिर T2 जो है मेरे पास वो क्या है, 5, उसमें 273 ऐड करूँगा तो 273 ऐड करूँगा तो 278 केल्विन इसका आता है। फिर K उसने आपको दिया हुआ है वो है 0.8। फिर उसने आपसे पूछा है कि कितनी हीट लॉस होगी एक घंटे के अंदर, वो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पर आर उसने आपसे बेसिकली पूछा है कि पर आर कितनी हीट जो है वो लॉस होगी। इसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, के ब्रैकेट के अंदर ए और मल्टीप्लाई बाय T1 - T2 / L। यही फार्मूला हमारे पास जो है वो सेम फार्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। अच्छा अभी देखिए हमारे पास जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है ना, ये मैंने यूनिट नंबर 1 के अंदर भी बताया था। रेट जब भी वर्ड जब यूज़ होता है ना, रेट इसका मतलब होता है कि वो डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो ये मेरे पास क्या होता है, Q/T। आपको पता है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, आप जब यूनिट मेरे लेक्चर नंबर 1 देखेंगे इसी यूनिट का, तो उसमें भी ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है ये Q/T ही है। जो मेरा 9.1 न्यूमेरिकल था उसके अंदर क्योंकि उसने डायरेक्ट रेट ही पूछा हुआ था, इसलिए मैंने Q/T नहीं लिखा। लेकिन जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है इसका क्या मतलब होता है, क्यू कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई डिवाइडेड बाई यूनिट टाइम, कितने यूनिट टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं रेट। किसी भी चीज़ का आपने रेट निकालना हो तो आप कहते हैं कि इसने इतनी क्वांटिटी में ये काम किया डिवाइडेड बाई इतने मिनट में या इतने टाइम में, उसको बोलते हैं रेट। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब होता है हीट डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, के की जगह पे 0.8 लिखा मैंने, ए की जगह पे 5 लिखा, 298 T1 की जगह पे लिखा, T2 की जगह पे 278 और L की जगह पे 0.008 लिखा। अच्छा अभी देखिए हमारे पास, तो हमने बेसिकली क्यू तो फाइंड करना है, लेकिन उसने टाइम हमको कितना बोला हुआ है, वन आवर उसने बोला हुआ, एक घंटा बोला हुआ है। तो क्यू इज इक्वल टू टी दूसरी तरफ जाएगा, तो टी की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, अभी आपने गौर से मेरी बात सुननी है। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जब 0.8 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आता है 4, क्लियर। फिर मैंने 298 - 278 किया तो मेरे पास आता है 20, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्लियर। तो मैंने 4 × 20 लिखा हुआ है। अब टी नीचे डिवाइड हो रहा था, टी ने दूसरी तरफ जाके क्या होना है, ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। तो ये जो मैंने 60/60 लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग चाहें तो एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट टी लिख के तो नीचे आप 60/60 कर सकते हैं। ये टी लिखा हुआ है, टी क्यों 60/60 लिखा हुआ है, टी है एक घंटा,
एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। हमने सेकंड्स, मैंने आपको बताया ना कि आपने हमेशा जो टाइम है वो ऐसा यूनिट में, बल्कि कोई भी यूनिट जो ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट में लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने 60 मिनट्स में कन्वर्ट किया एक घंटे को, 60 मिनट्स होते हैं घंटे में, फिर उसको मैंने 60 मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट किया, मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं, वो मैंने ऐसे करके लिखा हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू क्या आएगी, वो 36 मिलियन जौल जो एनर्जी है वो मेरे पास इसका आंसर आएगा। मतलब एक घंटे के अंदर कितनी हीट जो है वो उसका लॉस हुआ है, वो 36 मिलियन जौल हुई है। ठीक है, कैसे निकाला, मैंने 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाय 0.008 कर दिया, तो मेरे पास आता है 36 मिलियन जौल। इसका मतलब है एक घंटे के अंदर जो एनर्जी लूज़ हुई है या जो एनर्जी रूम से बाहर ट्रांसफ़र हुई है वो कितनी है, वो 36 मिलियन जौल है। इस तरीके से आपने करना है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर याद रखना है कि उसने आपसे एक घंटे के अंदर हीट का पूछा है, इसलिए आप लोगों ने जो है वो टी को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी न्यूमेरिकल करने हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कहने में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।